अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और घर में अपना एक क्वारंटी टाइम अच्छा गुजार रहे होंगे। अल्लाह मियाँ से बस यही दुआएं है कि अल्लाह मियाँ हमें इस आफत से जल्द से छुटकारा दे। अच्छा, आज हम एक अनदर टॉपिक के साथ आए हैं और वो है रॉक्स के बारे में। रॉक्स क्या हैं, ये किस तरह बनते हैं, फॉर्म होते हैं, इनकी फॉर्मेशन का तरीका क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये है चैप्टर नंबर 4 रॉक्स के बारे में। इसमें हम आपको मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा दूंगी, ठीक है। फर्स्ट थिंग है एलिमेंट के बारे में। एन एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? एन एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट एक सिंपल सा, सादा सा एक फॉर्म होता है मैटर का। ऑल द थिंग्स फाउंड इन द अर्थ आर मेड अप ऑफ एलिमेंट। जितनी भी चीज़ें दुनिया में यूज़ होती हैं वो एलिमेंट से बनी होती हैं, ठीक है। एलिमेंट क्या है? एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है और जितनी भी चीज़ें दुनिया में बनी होती हैं वो एलिमेंट से ही बनी होती हैं। मिनरल्स, मिनरल्स आर मेन रिसोर्स फाउंड इन दी अर्थ। मिनरल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं अर्थ की। ह्यूमन बींग यूज दीज रिसोर्सेस, कोल, पेट्रोलियम, सॉल्ट, आयरन एक्सेट्रा। मिनरल्स क्या ये अहम मादनियात हैं जो ज़मीन ही पे पाई जाती हैं, अर्थ में ही पाई जाती हैं और ह्यूमन बींग्स इनसे फ़ायदा उठाते हैं। किन किन से? कोल, पेट्रोलियम, सॉल्ट, आयरन एक्सेट्रा फॉर देयर बेनिफिट। दीज आर कंप्राइज ऑफ डिफरेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एलमोनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एलमोनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एक्सेट्रा। रॉक्स, रॉक्स क्या है? सबसे पहले मैंने एलिमेंट के बताया कि एक सादा सा एक फॉर्म होती है।